नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार रेडियो जेड। जनपद हाथरस सलीकर रोड स्थित रामोजी रिसोर्ट में भाजपा शहर अध्यक्ष शरद माहेश्वरी के नेतृत्व में नवग्रह इम्यूनिटी बिल्डर ड्रॉप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के आयोजक नोएडा निवासी महागुरु गौरव मित्तल व मेक यू विंग कंपनी के फाउंडर आशीष गुप्ता ने इम्यूनिटी बिल्डर ड्रॉप के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक हरिशंकर माहौर, राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राम कुमार माहेश्वरी व भाजपा शहर अध्यक्ष शरद माहेश्वरी ने उपस्थित नागरिकों को ड्रॉप्स का वितरण किया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र उपाध्याय, सुमित शर्मा, मनीषा गोस्वामी, सालिनी पाठक, सुचिता जॉन, अशोक गोला, रजत अग्रवाल, मनोज भुटिया, अंकुश वाल्मीकि, करण वाल्मीकि आदि लोग मौजूद थे। समाज एटी जेड के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। उनसे हुए द्वापर यदि हम अपने शास्त्रों में जाए तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं सभी में इंसान का जो वैध कुमार का जीने का जो समय था 1,00,000 साल, फिर उसके बाद दूसरे युग में 10,000 साल, फिर तीसरे युग में 1,000 साल और आज की एक में वो 120 साल की मान्यता है। ऐसा क्या था जब ये गवर्नमेंट में है उसी युग में नहीं किया आज मुकाबले में रहेंगी मॉडर्न मेडिकल साइंस केवल 50% है जिससे इनोवेशन होते जा रहे हैं वो आज होते जा रहे हैं, बट तब भी लोग जीते थे, बीमारियां कम भी होती थी, युद्ध तब भी होते थे, लोग तब भी ठीक होते थे, ऐसा क्या है? तो यदि आप थोड़ा सा रिकैप करो तो हर ही जमाने में हर राजा महाराजा के पास एक चिकित्सक का व्यक्त और एक आयुर्वेदक का व्यक्त थे, राइट? ये हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है और सीरियल में भी देखा है। होता क्या है कि अब आयुर्वेद जो पौधे हैं उनकी जो छाले हैं हर एक बीमारी को दूर करने का चक्कर है। प्रकृति ने ऑलरेडी सब चीजें दुनिया के अंदर बनाई हुई है। यदि एक एक्शन है एक रिएक्शन है, यदि कोई बीमारी है तो उसका सलूशन भी है। पावलोव कहा है कि हम अपनी प्राचीनतम संस्कृति को भूल के जो पुड़िया पुड़िया आयुर्वेद की जो दवाइयां लगी है कोशिश की उनको भूल के एक टैबलेट टैबलेट देश में रखी आज क्या प्रधान मिला हम उस चीज का मजबूर हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस जरूरी है, पर जिन चीजों का इलाज पहले आयुर्वेद में था और आज की स्थिति है हम उस संस्कृति को भूलते हुए हम नए आविष्कार को और मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ परस्पर होने चले जा रहे हैं। पर कितना काम करेगा जी? देखिए जिन लोगों ने इसको लोग बेला शुरू कर रहे हैं उनकी इसके पीछे का जो कंसेप्ट है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का, यदि आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो बीमारियां आएंगी, आप उनसे ओवरकम करने में सक्षम होंगे। यदि आपने यहाँ पर देखिए जो उसके अंदर कंटेंट है, यदि इनकी मेडिसिन वैल्यू आप चेक करेंगे, चाहे तुलसा है, चाहे अश्वगंधा है, चाहे गिलोय है, चाहे आपके इमली है, चाहे आपके फूड एप्पल है या फिर हमारे दालचीनी है, इनकी एक मेडिसिनल वैल्यू है। जैसा कि अभी हमारे दीपक जी ने भी बताया कि उनकी मदर